हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग। अप्रैल के एंड में जब वार्म डेज शुरू हो जाते हैं तो स्नेक प्लांट्स में जो है वो पप्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप बेबी प्लांट भी कहते हैं। ये देखें, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये अप्रैल के एंड और मई के स्टार्ट में जो है ये इसके पप्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्लांट है वो मैच्योर होना चाहिए। ये वाला जो प्लांट है ये 3 साल पुराना है, तो इसमें जो है ये पप्स आ रहे हैं। ये भी देखें कितना छोटा सा निकल रहा है यहाँ से। ये उस साइड पे भी है। स्नेक प्लांट जितना मैच्योर होगा उतने से ज्यादा पप्स जो है वो उसमें आएंगे। ये देखें एक सेंसोवेरिया, ये भी स्नेक फैमिली से है, इसमें भी पप्स आना शुरू हो गए। ये देखें ये कितनी खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। जब तक ये आपका पॉट भर नहीं जाए पप से या बेबी प्लांट से, तब तक आप इसको रिपोर्ट मत करें। अगर आप इसको रिपोर्ट कर देंगे तो ये इसका जो मदर प्लांट है वो वीक हो जाएगा। इस वाले में जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कमेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।